नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक का रंग रूट। 12 सितंबर 2020 इस तारीख को एनलेट यानी कि नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। ये परीक्षा देश की जानी मानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन एग्जाम होने के बाद मच गया बवाल। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों ने NLSIU पर अव्यवस्था का आरोप लगाया। कहीं किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो कहीं लॉगिन करते ही पेपर सबमिट दिखाने लगा। छात्रों ने इसके क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी कही। इसके बाद NLSIU ने फिर से एग्जाम कराने का फैसला किया। 14 सितंबर को 12:30 बजे से एग्जाम शुरू हुआ और एग्जाम के दौरान ही एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर वायरल होने का दावा किया जाने लगा। कानूनी मसलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच ने दावा किया है कि परीक्षा के दौरान ही उसके पास क्वेश्चन पेपर की एक कॉपी आ गई थी। बार एंड बेंच का दावा यह भी है कि परीक्षा में हिस्सा लेने वालों ने वेरीफाई किया है कि ये वही पेपर है जो एग्जाम में आया था। परीक्षा के बाद NLSIU ने एक बयान जारी किया, कहा कि इससे परीक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NLSIU की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, 14 सितंबर की परीक्षा में उन छात्रों को मौका दिया गया जो टेक्निकल समस्याओं की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के बाद टेस्ट पेपर कैंडिडेट्स के पास आ जाता है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ने प्रश्नों को कॉपी कर लिया और उसे मैनेजिंग ऐप और ईमेल पर भेज दिया। यह NLET की गाइडलाइन का उल्लंघन है, लेकिन इससे परीक्षा पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉगिन करने के बाद क्वेश्चन पेपर पहले से ही छात्रों के लिए उपलब्ध था। 12 सितंबर को एग्जाम के बाद NLSIU की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि NLET 2020 में UG के लिए 94% जबकि PG के लिए 97% स्टूडेंट की उपस्थिति रही, यानी कि 12 सितंबर को हुई परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों के जो रिएक्शन आए वो NLSIU के दावे की हवा निकाल देते हैं। छात्रों का दावा है कि इस परीक्षा के दौरान जमकर नकल हुई। छात्रों को वेरिफिकेशन और लॉगिन करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्रों ने दावा किया कि वेरिफिकेशन में 45 मिनट तक का समय लग गया, जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद हो गया। इसके अलावा वेबसाइट क्रैश होने, समय से पहले ही कॉपी सबमिट हो जाने और लॉगिन करते ही पेपर कंप्लीट दिखाने जैसी समस्याएं भी स्टूडेंट्स के सामने आ गई। परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की शिकायतें हैं। NLET में पूछे गए प्रश्नों की तस्वीरें कथित रूप से सोशल मीडिया पर जारी की गई थी। कुछ उम्मीदवारों ने तो ये भी दावा किया है कि परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ पूरे प्रश्न पत्र पर चर्चा करते रहे थे। खबरों की माने तो कुछ बदमाशों ने जूम स्क्रीन शेयर करके पूरे एंट्रेंस को लाइव भी चलाया। देश में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, इनमें से 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन के लिए संयुक्त रूप से क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करती है। इस साल क्लैट मई में होना था लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन था। डेट आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते 28 सितंबर तक पहुंच गई। इसके बाद हुआ ये कि NLSIU जो कि NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के हिसाब से देश की बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी है, उसने अपना रास्ता अलग कर लिया। कहा कि क्लैट की डेट बार बार बढ़ती ही जा रही है, अगर यूनिवर्सिटी सितंबर के अंत तक नए बैच का एडमिशन लेने में नाकाम रहती है तो फिर इसे जीरो ईयर घोषित करना होगा। NLSIU के इस फैसले को मध्य प्रदेश और झारखंड के हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। कोर्ट ने NLET पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने NLSIU को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार NLET 2020 आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि बेंच ने प्रशासन को परिणाम घोषित करने और एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने देने से रोक दिया। अब अदालत ने नोटिस जारी किया है, सुनवाई 16 सितंबर को होगी। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक की नई पहल रंग रूट। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।